नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी बस हम सब भी ठीक हैं। और अभी वो रखा है सुबह का समय, तो मैं बना रही थी नाश्ता, क्योंकि ये जाएंगे ऑफिस और लंच लेकर के भी जाएंगे, तो मैं घिया बना रही हूँ। तो मैंने पहले घी को काट लिया है और इसको उबालूंगी, उसके बाद इसमें तड़का लगाऊंगी। और नैना स्कूल चली गई है और सोना की तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता ही है, तो वो तो अभी रेस्ट पर ही है, तो वो सोई हुई है और बहुत परेशान कर रहा है बच्चा ना, मतलब उसको चाहिए कि मैं उसके पास ही बैठी रहूँ इस तरीके से। और तो नैना को तो मैंने दिया था बना करके ना अंडा रोटी, जिस तरीके से हम आमलेट बनाते हैं ना, फिर उसके ऊपर हम ब्रेड रख देते हैं, वैसे हम ब्रेड आमलेट बनाते हैं, वैसे मैंने उसको क्या कहेंगे रोटी आमलेट बना के दिया है। मैं तो उसे अंडा रोटी बोलती हूँ, तो उसको अच्छा लगता है। क्योंकि हुआ क्या, सुबह मैंने उससे पूछा कि ना क्या बनाऊँ नैना बता, तो उसने बोला मम्मी सैंडविच बना दो। मैंने कहा सैंडविच के लिए ब्रेड नहीं है, और पापा से बोल पापा अगर उठ जाएंगे लेकर के आ जाएंगे तो बोल दे, पापा ले आएंगे, मैं बना दूंगी। तो उसने फिर देखा पापा सोए हुए थे उसके, क्योंकि आज उनको थोड़ा देर से जाना है ऑफिस, इसलिए तो उसने बोला पापा ब्रेड ला दो, तो ये उठे ही नहीं। फिर मैं अंडे रखे, तो मैंने कहा ना अंडा रोटी बना दूँ क्या, तो उसने बोला हाँ मम्मी ये ठीक रहेगा, अपना अंडा रोटी बना दो। मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने अंडा रोटी बनाई उसके लिए, तो रोटी तो ताज़ी बनानी पड़ती है, मैंने वही बनाई थी ताज़ी, बासी रोटी का नहीं बनाया था। कितनी बार होता है जैसे कि दिन की रोटी रखी होती है, अगर शाम को बच्चे बोलते हैं खाने के लिए, तो फिर मैं उसका बना देती हूँ, लेकिन अब तो स्कूल लेके जा रही थी तो बासी रोटी का तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती थी, तो मैंने ताज़ी रोटी के बना के दिया उसका अंडा रोटी, और बहुत अच्छा लगता है ना। और आप लोग बनाते हैं किस तरीके से मुझे बनाइएगा, अगर नहीं बताइएगा, और अगर नहीं बनाते ना तो बना के देखिएगा, अगर आपके बच्चे अंडा खाते हैं तो बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को ना खाने में, बहुत ही, मतलब मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, दोनों ही खाती हैं, लेकिन सोना से तो कुछ नहीं खाया जा रहा ना, उसे गले में भी छाले हो रखे हैं ना, इसलिए तो कुछ नहीं खा पा रही बेचारी, तो इसलिए। और हाँ ये देखिए मैंने छोक दिया है घिया ना, मतलब प्याज भून दी है, लहसुन और अदरक का पेस्ट भून दिया साथ में, और अब मैंने डाले इसके अंदर मसाले, मिर्च डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, उससे रंग अच्छा आता है सब्जी में ना, थोड़ा लगता है देखने में तीखी तीखी सी ना, चाहे वो तीखी हो ना, लेकिन अच्छी लगती है देखने में। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैं सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च भी डालती हूँ ना कितनी बार, तो सोना को तब भी वो देखा ही लगता है खाने में, वो बोलती है मिर्ची है मिर्ची है, तो मैं बोलती नहीं मैं तो डाली नहीं, तुझे क्यों लग रहा है, पता नहीं उसे क्यों लगता है, शायद थोड़ी तीखी तो रहती होंगी वाली मिर्ची ना। तो बस मैं टमाटर डाल दिए हैं और थोड़ा सा डाला मैंने इसके अंदर पानी, बस इसको अच्छे से भून लूँगी। और इस तरीके से घिया कौन कौन बनाता है मुझे बताइएगा कमेंट करके ना, कि हम लोग भी इस तरीके से बनाते हैं। इस तरह का बना हुआ घिया तो मैं खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, मतलब बोलते ना कटोरे भर के सब्जी खाना, वैसे नहीं खाती हूँ। हाँ घिया चने की दाल बनाती हूँ, उसे तो फिर मैं अच्छे से खा लेती हूँ, वो मेरी फेवरेट है। और ना तो इनको वो घिया चने की दाल पसंद आती है, और ना ही इनको आलू घिया पसंद आता है, तो जब सिर्फ इनके लिए बनाना होता है ना, तो फिर मैं इस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि हमारा तो रात का पनीर रखा हुआ है, हम तो उससे खा लेंगे, हमें उसकी कोई टेंशन नहीं कि हमें घिया ही खाना है। लेकिन हाँ ये कि अगर नहीं भी होता तो थोड़ा बहुत तो मैं खा लेती हूँ इसमें से, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ, लेकिन जब कोई और ऑप्शन होता है फिर बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि वाला घिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और ये ऑफिस लेके जाएंगे इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया है, तो थोड़ा मैंने इसको रखा है मैशी सा, और थोड़ा सा जो इसके अंदर हैं पीस भी दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो मुझे बताया कमेंट करके ना कि कौन कौन इस तरीके से बनाता है, और नहीं बनाते तो बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है वाला घिया बना के खाने में ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये देखिए यहाँ पर है शक्कर, तो मैं शक्कर को डिब्बे में भर लूँगी, क्योंकि ये पियेंगे शक्कर वाली चाय ना, और शक्कर ख़त्म हो रखी, तो मैंने इनको बोल दिया कि भैया बिल्कुल भी शक्कर नहीं है, मैं चीनी वाली चाय बनाऊँगी देख लेना। तो फिर दो दिन तो इन्होंने पिया वैसे ना, क्योंकि शक्कर वाला शायद आया नहीं था तब तक, इन्होंने पूछा भी तो वो शायद आ नहीं रहा था, तो आज आया होगा तो लेकर के आया, तो मैंने कहा चलो डिब्बे में भर देते हैं। तो सारी तो अभी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 किलो के आसपास लेकर के आए हैं ये, इसलिए तो ये समझो पूरी गर्मी निकल गई है हम लोगों की ना, इन्होंने शक्कर वाली चाय ही पी है। मैं तो कभी कभार पीती हूँ, पर ये तो रोज़ ही, मतलब जब भी पियेंगे, जैसे मॉर्निंग में पियेंगे नाश्ते के, जब हम नाश्ता करेंगे तब पियेंगे, या फिर शाम को कितनी बार पियेंगे तो बोलेंगे नहीं मेरे लिए शक्कर वाली चाय ही बनाना,
तो इनके लिए फिर मैं वही वाली चाय बनाती हूँ। तो मेरे डिब्बे में भी इतना ही भरा है, बाकी को मैं पन्ने को उठा के रख दूँगी ऐसी बंद करके। और जो पहले का रखा हुआ था ना गुड़ वगैरह, वो सब ऐसे मेल्ट हो गया बहुत बुरे तरीके से। तो नाश्ता बस तैयार हो गया। और ये देखिए सोना, तो सोना बोल रही थी अभी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दो। तो मैं उसके पैर दबा रही थी और इतनी निढाल सी हो गई ना बच्ची, मतलब ये देखो 2 दिन में ही ना ऐसी हो गई, बहुत ज़्यादा ऐसे कमज़ोर कमज़ोर से ना इतना सा मुँह निकल आया बच्चे का बहुत ज़्यादा। और उसके ना पूरे मुँह के अंदर से छाले छाले हो रखे हैं ना, उस वजह से बेचारी कुछ खा भी नहीं पा रही, पी भी नहीं पा रही। मतलब ये देखो उसने नारियल पानी पूरा नहीं पिया था, कह रही नहीं मेरे को अजीब सा हो रहा है। देखो मैं देख रही थी लाइट जला के ना इसके उसमें, देख रहे होठ पे कैसा हो रखा है, और ऊपर जो होता है ना तालू उस पर तो इतने सारे दाने दाने हो रखे हैं ना रेड रेड। देखो अभी तो ना ये सो गई है, तो अभी मैं इसको सोने देती हूँ, तब तक अपने सारे काम खत्म कर लेती हूँ। तो मुझे कुछ नहीं करने दे रही, बिल्कुल अभी नहा करके आई हूँ मैं, मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए। मेरा पूरा किचन का काम ऐसे ही पड़ा है, आपको दिखा दूँ। मैंने मशीन लगा रखी है इधर, तो देखो मेरी किचन ऐसी पड़ी है। अभी कुछ भी काम नहीं करने दिया सोना ने मेरे को ना, आज झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ। देखो ये देख रहा, अभी झाड़ू पोछा भी करूँगी कि सुबह से इसने मुझे अपने पास ही बिठा रखा है। अभी सो रखी है तो मैं सोच रही हूँ जब तक ये सो रखी है काम फटाफट से खत्म कर लेती हूँ। क्योंकि परेशान हो रखी है ना, मतलब से बोली गले में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, क्योंकि जो छाले हैं ना वैसे ना ऊपर जो होता है ना तालू उससे भी हो रखे हैं। तो कुछ भी खाने में बहुत दिक्कत हो रही है इसको ना, सच में यार हम बीमार हो जाए, बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए, दिमाग भी खराब हो जाता है सच्ची में। इतनी छनपनी सी ऐसे पूरे दिन घूमती रहती ना इधर से उधर, और इतना वो करती है, और अब बिल्कुल ऐसे निढाल से होकर पड़ी हुई है ना, दवाई दे रखी इसलिए सोए जा रही है। अभी कुछ भी नहीं खाया इसने, बोल रही थी कपकेक बना दो मेरे लिए, तो बस अभी मैं इसके लिए कपकेक बनाऊंगी। जब उठ जाएगी तब खिलाऊंगी इसे, बिस्किट का बनाऊंगी मतलब ना, ये खा लेगी इसलिए। चलो फटाफट से काम खत्म कर लेती हूँ वरना ये उठ जाएगी फिर कुछ नहीं करने देगी, बोलेगी मम्मी मेरे पास ही बैठो, बस मेरे पास ही बैठे रहो और कुछ भी नहीं करने देती मतलब फिर ना। कपकेक बना दिया सोनू, खा के देखो कपकेक। सोनू क्या मिला गिफ्ट में, किसने दिया ऐसे बोले ये बता। टीचर्स ने, अरे नहीं वो प्रिंसिपल ने बोला है कंपलसरी है सबको देना, सब बच्चों को देना है क्या सब है। तो देखिए मैंने बनाया दलिया मीठा सोना के लिए, अगर खा लेगी तो मैं उसको फिर यही खिलाऊंगी क्योंकि उसको मीठा दलिया पसंद है इसलिए। और यहाँ पर ये देखो हैप्पी सोए हुए हैं, और नैना स्कूल से आ गई है, मैं उसको खाना दे रही थी। तो ये देखो पत्ते रखे हुए हैं, ये जाएंगे ऊपर खरगोशों के लिए, ये तो फ्रिज में जाएंगे रखने के लिए। तो थोड़े गीले थे, उन्होंने बोला अखबार पर सुखा दियो, तो मैंने अखबार पर सुखा दिया है। तो नैना खाना खा रही है, वही रात वाला पनीर है और रोटियाँ बनाई हैं मैंने, मैं भी वही खाऊंगी। और यहाँ पे हो गया शाम की चाय का समय, तो ये समोसे रखे थे, कल कोई आया था हमारे घर पे ना तो उनके लिए मंगाए थे, तो बच रखे थे, हमने कहा चलो उठा के फ्रिज में रख देते हैं, फिर फ्रिज में रख दिए थे। तो मुझे ध्यान आया कि हाँ नैना समोसे रखे हैं, चल तुअर में दोनों चाय पीते हैं, फिर मैं समोसे हल्के से गर्म करे और हम दोनों चाय पियेंगे। बैठ जा, मैं तेरे दल्ले लेकर के आ रही हूँ, अभी पापा को खाना दे दूँ पहले। लो शिशु बैठो, ए खड़ी हो, खाना खा, खड़ी हो, चल। अच्छी नहीं बन रही, खाने से पहले बोल रही अच्छी नहीं बन रही, देखना शेष ये रो रो के खाना खा रही है। खा ले सोना, तू खा, तेल टपक रहा है, आलू आगे भर रहा है इसमें। तो भैया सूखी सब्जी में तेल निकलेगा, पनीर का भी तो खुद का ऑयल होता है, चिकनाहट नहीं होती पनीर में, तो सड़ा मुंह बना रही है देखियो। हैप्पी हैप्पी, ये देखो सब्जी नहीं खाई इन्होंने अपनी घी की, बचा दी ऐसी। हैप्पी क्या हुआ, आ इधर आ जा, नैना वो पी के वहीं डाल रखा है पाउच। और अच्छा ऊपर तो होके आ गए क्या, दे पापा को सारा सामान। तो वो पालक भी रखा है ऊपर फ्रिज में, 10 मिनट बाद रखाइयो। अच्छा ठीक है 10 मिनट बाद रखाइयो, जब तक बर्तन मांज के। हाँ जी अब आप बताओ, पैर दबाऊं, चलो भैया
मैं बर्तन माजी हूँ पहले। तो ये देखो इसके पैर के दाने हैं ना, जैसे ये देखो, तो मतलब आज जैसे दूसरे दो दिन हो गए इसको इस तरीके से हुए ना, तो अब थोड़े सूखने लगे हैं इसके दाने ना, जैसे कि होता है ना छोटे छोटे दाने होकर के फिर ऐसे खुरन जम जाता है, उस टाइप से हो गया इसके पैरों पर। दवाई दे दो। अभी नहीं, तुम्हें बर्तन साफ करके आ जाओ बेटा, दो मिनट बाद पक्का। बारी बारी से दूंगी इसको ना, मुंह में मत डाल लियो, समझ गई? कपड़ों पे लगाने का है, कभी से लिपस्टिक सोच ले कि हाँ मुंह पे लगा ली, होठों पे लगा ली। लिप बाम भी चाहिए? अच्छा जी ला देंगे, ठीक हो जाओ पहले। कितना बोलती है, आज तो घर में सन्नाटा अच्छा रखा था, सन्नाटा कभी सोना के चीखने की आवाजें नहीं थी, है ना, है ना। मौसी का फोन आ रहा है, एक मिनट।